आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल का फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस डेटाबेस के अंदर जैसे कि आप लोगों ने रियल टाइम और क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस देखे होंगे, और मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग इन फायरबेस का यूज़ हम लोग वेब एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फायरबेस में रियल टाइम डेटाबेस और क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ हम लोग पाइथन प्रोग्राम के थ्रू कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको अगर पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू आप डेटा अपना पोस्ट कर सकते हैं फायरबेस में, वो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए पूरा स्टेप बाई स्टेप मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ से कि फायरबेस में आपके पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कैसे बनाना है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरे डिटेल में इसको बनाया है। तो यहाँ हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उनमें से एक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे फायरबेस डेटाबेस, फायर स्टोर डेटाबेस और रियल टाइम डेटाबेस। तो यहाँ दो आपको डेटाबेस मिल जाएंगे। फायर स्टोर डेटाबेस अपना डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, और रियल टाइम में आप बिल्कुल आप यहाँ क्लिक करेंगे और डेटा इसका यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा, उसमें किसी की रिफ्रेश करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी हम पहले रियल टाइम डेटाबेस देख लेते हैं, क्योंकि रियल टाइम डेटाबेस की बहुत बार आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पाइथन पर डेटा सेट्स यूज़ कर रहे होते हैं और रियल टाइम हमारे पास इमेजेस आ रही होती हैं, डेटा आ रहा होता है, और फिर हमको उसमें से कुछ सिलेक्ट करके एनालिसिस करके रियल टाइम में डेटा हमको सेव करना होता है। और अधिकतर टाइम हम लोग CSV का यूज़ करते हैं, लेकिन CSV में क्या एक प्रॉब्लम है कि आप पूरा प्रोजेक्ट आपका जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जब बंद करेंगे तब तो आपकी CSV आप उसको देख पाएंगे, वो सेव होगी, और वो भी ऑफलाइन होगी जिसको आप ऑनलाइन नहीं देख सकते। अब ऐसी स्थिति के लिए हम लोग रियल टाइम डेटाबेस सबसे अच्छी चीज़ है। तो यहाँ हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस बना हुआ है, इसको कैसे बनाना है पिछली वीडियो में आप देख लीजिए। एक बार आपके पास ये URL आपके पास आ गया, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है। तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, दूसरी हमको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर सिक्योरिटी, जो हमारा जो जेसन फाइल पड़ती है, जेसन फाइल जो है वो प्राइवेट की, उसकी आवश्यकता पड़ेगी जो जेसन की फॉर्मेट में हमको मिलेगी। अब ये सर्विस की हमको मिलेगी कहाँ से, तो उसके लिए आप देखिए इस बताता जाता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ आपको आ जाएगा सी ऑल प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक मिनट इस पर आप जाइए, हाँ तो ये ऑल प्रोजेक्ट पर क्लिक ना करिए, आप प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे जाइए और यहाँ पर ये सेटिंग का टैब है इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप वो बना चुके हैं तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर जाना है और यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आपको सर्विस अकाउंट, तो सर्विस अकाउंट में आप जाएंगे। जब सर्विस अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नीचे थोड़ा सा ये समय ले रहा है लोड होने में, हाँ तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो नोड JS जावा इन सबको अभी आपको यूज़ नहीं करना है, ये हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है जनरेट न्यू प्राइवेट की पर, ठीक है। तो यहाँ आपको जनरेट न्यू ये जो है आपको ये इन्होंने दिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे अपने पाइथन के प्रोग्राम में, लेकिन वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, इसको आप अभी भूल जाइए। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान देना, ये लिखा है सर्विस अकाउंट की डॉट जेसन, कुछ इस तरीके से हमको अपना ये वाले कोड को हमको यूज़ करना है। तो पहले हम जनरेट कर लेते हैं की, तो ये हम लोगों ने जनरेट कर रहा हूँ मैं, ये जनरेट की पे आप क्लिक करेंगे। अब ये जो की डाउनलोड होगी वो आपके ये जो आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपके वो रहेंगे डेटाबेस उन सभी में आपकी यही चलेगी, ठीक है। तो ये जो जेसन फाइल हमारी डाउनलोड हो गई इसको आप कहीं पे स्टोर कर दीजिए और वो पाथ आपको प्रोग्राम में डालना पड़ेगा। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के ऊपर और हम अब प्रोग्राम पर काम करते हैं। तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है इसकी, और दूसरा जो हम लोगों ने यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस में जाने के बाद जो हमारे पास URL था डेटाबेस का ये वाला, इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब चलिए फटाफट से हम लोग एक कोड लिख देते हैं, और तो चलिए हम अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, और जैसा कि इसमें कोड कोड हमको यहाँ पर दिया हुआ था तो इसका हम लोग यूज़ यहाँ पर कर लेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर सेटिंग में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में इसमें दिया हुआ है कि आपको पाइथन कैसे यूज़ करना है, सर्विस अकाउंट में चला जाता हूँ। तो यहाँ देखिए नोड JS सर जावा और पाइथन, तो पाइथन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें तो आपको लिखना पड़ेंगी, तो यहाँ से आपका ये काम हो जाएगा।
लेकिन उसके पहले पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिखा है इन्होंने, इन्होंने सिर्फ दिया है कि आपको सर्विस अकाउंट का जेसन फाइल है वो कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पूरा प्रोग्राम ही आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको काम करना है, मैं टर्मिनल पे बता देता हूँ कि एक आपको इसके अंदर PIP का यूज़ करके कुछ इंस्टॉल करना होगा। तो ये है आपका PIP इंस्टॉल, और फायरबेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो firebase.admin, ठीक है, तो ये आप इंस्टॉल इसमें कर लीजिए, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, तो ये आपका आपका इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इसके बाद हम चालू करते हैं अपना कोड लिखना, ठीक है, तो कोड स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इम्पोर्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग। इम्पोर्ट के लिए हमको सबसे पहले हमको मिलेगा फायरबेस एडमिन, हमको इम्पोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ इम्पोर्ट करना है फायरबेस एडमिन से, फ्रॉम फायरबेस एडमिन, और यहाँ से हमको कुछ चीज़ों की इम्पोर्ट करना पड़ेगी, देख लेते हैं, बाकी और लगेगा तो हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे पहले क्रेडेंशियल, क्योंकि अभी हमको क्रेडेंशियल यूज़ करना है, क्रेडेंशियल्स हो गए, और एक हम लोग DB डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हैं, DB की हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलो अब ये तो हमारे पास काम हो गया, अब हमारे इसके बाद हमको और किसी चीज़ की इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ एक वेरिएबल बना देते हैं हम लोग क्रेड नाम का, और इसमें हम लोग क्रेडेंशियल जो हम लोगों ने अभी इम्पोर्ट किया है ना इसको हम लोग यूज़ कर लें, तो क्रेडेंशियल से हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा सबसे पहले सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट का ही खेल है इसके अंदर पूरा। तो सर्टिफिकेट को ले लेते हैं, और सर्टिफिकेट में हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए हमारी की जो हमने डाउनलोड की थी, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड करा हुआ है जो, अब आप अगर चाहें तो इसी डायरेक्टरी में उसको आप सेव कर सकते हैं। तो जो हमारा हम लोगों ने जेसन फाइल डाउनलोड की थी सर्विस अकाउंट के लिए प्राइवेट की, वो हमने इसमें डाल दी है और इसी डायरेक्टरी के अंदर डाल दी है। अगर आप कहीं और से यूज़ कर रहे हैं तो आप पूरा पाथ उसके अंदर डाल दीजिए कि डी ड्राइव में किस फोल्डर के अंदर कहाँ रखी हुई है, हमने इसी फोल्डर के अंदर इसको डाल दिया, तो अब हमको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक हमारे क्रेडेंशियल सेट हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं इनिशियलाइज करते हैं ऐप को, तो फायरबेस और एडमिन के थ्रू ही होगा, बिल्कुल होगा, और फायरबेस एडमिन में डॉट इनिशियलाइज ऐप कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं क्रेडेंशियल जो हमने लिए हैं पूरे इसमें क्रेड नाम के वेरिएबल में, और कॉमा अब यहाँ पर आ जाता है, इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग लिखना पड़ेंगी, सबसे पहले तो हमको आएगा डेटाबेस का URL, डेटाबेस URL, अब डेटाबेस URL भी हमको पास करना पड़ेगा। तो डेटाबेस URL क्या है, तो डेटाबेस URL देखिए, रियल टाइम डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको डेटाबेस URL देना पड़ेगा। रियल टाइम डेटाबेस क्या है हमारा, वो URL पे चलता है। अगर आप क्लाउड फायर स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपको इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये URL कहाँ से मिलेगा देखिए, तो ये रियल टाइम डेटाबेस में जाएंगे तो ये आपको जो ऊपर यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना firebase.io.com, ये ऊपर वाला इसको आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी होने के बाद इसको इसमें पास कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और बाकी सब तो ठीक दिख रहा है। इसको मैंने बंद कर दिया इधर, और छोटा ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा ये क्लियर हो गया, बाद में देखेंगे। अब अगला काम हमारा जो है वो है हमको एक रेफरेंस पास करना है, तो एक वेरिएबल और बना देते हैं रेफरेंस नाम का, और ये ले लेते हैं हम DB में। DB हमारे पास अभी, चलिए तो DB हम लोगों ने इम्पोर्ट कराई है, तो DB यहाँ पर रेफरेंस, और रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर टैब जो है क्या है स्लैश ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक काम इधर हो गया। अब हमको चाहिए जो डेटा हमको पास, डेटा हमको जो स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डेटा इक्वल टू, और ये लिया हम लोगों ने। अब डेटा में क्या होता है देखिए, इसमें डेटा में की जो टैग के नाम से टैग के आधार पर स्टोर होता है, तो हम एक डेटा का एक टैग बनाएंगे उसके अंदर डेटा स्टोर होगा। मतलब जैसे कि मैं कह दूं कि भाई ये मान लीजिए आपने बना दिया रोल नंबर 1, चलो ऐसे ही बना देते हैं, तो इसमें हम लोगों ने बना दिया इधर एक बना देते हैं रोल नंबर 1, ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रोल नंबर 1, ये इसका टैग हो जाएगा, ठीक है। और नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, पहले हमको इसका एक वो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग बना देते हैं यूजर्स, ठीक है। अब यूजर्स के अंदर ये ले लेते हैं, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ हम लोग लेंगे, अब आएगा हमारा डेटा। तो डेटा क्या है भाई, तो डेटा हमारा जो है डेटा का का टैग आएगा पहले, तो जो डेटा का टैग है
ये कुछ है, इसको इस तरीके से लेते हैं, थोड़ा सा ये इसको लिखना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है बहुत बार। तो मान लीजिए मैंने इसको बना दिया user1, ठीक है, और कॉलन लगा देता हूँ ये, बस ये थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट का ध्यान देना पड़ता है, और थोड़ा गलती हो जाती है, लेकिन चलिए बाद में इसको देख लेंगे आप, ठीक है। अब फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो इसका फर्स्ट नेम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और ये कॉलन लगा देते हैं, और अब आएगा यहाँ पर डेटा। तो सिंगल कोट के अंदर यहाँ मैंने डेटा ले लिया, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया यशवंत, ओके। नाउ ये हो गया, यहाँ पर अगर आपको और डेटा इंसर्ट करना है तो कॉमा लगाइए, और फिर से सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर ले लिया मैंने लास्ट अंडरस्कोर नेम। अपने हिसाब से फील्ड बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये लिखिए लास्ट नेम ले लिया मैंने पाठक, ओके। क्या है भाई, सिंगल कोट में लिखना है इसको, एज जरूर आप इसको ओपन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगा के मैंने कॉमा लगा के एज और दे देता हूँ मैं, चलिए एज, और फिर कॉलन, और ये मैं डाल देता हूँ 35। इसको एक मिनट, ये सब हो गया। अब अगर आप चाहें आप तो और, जैसे कि मान लीजिए आपने एक यूज़र के लिए दिया है, तब और यूज़र के लिए देना है, तो यहाँ पे user2 user3 करके ऐसे और कॉमा लगा के फिर पूरा का पूरा इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है तो यहीं पे आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा बंद हो गया एक ब्रैकेट, इसके बाद दूसरा ब्रैकेट हमारा ये बंद हो गया, उसके बाद एक तीसरा ब्रैकेट, इसको भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ये सब तो डेटा तो हमारा हो गया, जो हमने लिख दिया कि डेटा हमको क्या स्टोर करना है। अब डेटा स्टोर कराने के लिए यहाँ पे हमको इसको सेट, रेफरेंस सेट, और इसके अंदर हमको पास करना पड़ेगा डेटा। डेटा हमारा ये रहा, इस वेरिएबल को हम इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। एक मैसेज भी डाल देते हैं, चलिए पता चल जाएगा डेटा सेव हो गया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुल्ली, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा हमको। नीचे कोई ब्रैकेट है नहीं, सेव कर देते हैं इसको, हम चला के देखते हैं और फिर देखते हैं इसमें कुछ हो रहा है क्या। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, तो यहाँ देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। पहले हम चला के देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हमारा डेटा इसमें स्टोर हो जाना चाहिए, और नहीं होता है तो फिर इसकी हम जो भी समस्या होगी इसको हम सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर एरर आती है तो एरर भी कोई बुरी बात नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अरे वाह, पहली बार में डेटा हो गया, और आप देखिए बिल्कुल रियल टाइम में डेटा आपका स्टोर हुआ है। देखिए यहाँ पर user1 ये हो गया स्टोर। अगर आप नहीं देख पाए इस पूरी प्रक्रिया को तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ हम लोग कुछ काम करते हैं, रिकॉर्ड चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना YP Tech, जैसा कि मेरे पहले चैनल का नाम था, तो इसमें कर देता हूँ YP, लास्ट नेम कर देता हूँ टैग, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये कितनी जल्दी एक रिस्पॉन्स करता है। देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये देखिए ये आ गया डेटा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेटा यहाँ पर हमारे पास आ गया है, और ये ओवरराइट हो गया, क्यों? क्योंकि ये भी user1 है। अगर मैं user2 कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो फिर ये एक और कॉपी इसकी बन जाएगी, देखना 2 हो गया ये, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें user3 कर दूँ, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपका रियल टाइम में आपका डेटा ये अपलोड अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन का यूज़ करके, पाइथन के प्रोग्राम का यूज़ करके इसको फायरबेस गूगल का जो रियल टाइम डेटाबेस है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लाउड फायर स्टोर में अगर हमको यूज़ करना है, जहाँ हमारा डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव होता है, तो क्या हम पाइथन का कोड का यूज़ करके इसको कर सकते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसका यूज़ करिए अपने प्रोजेक्ट में, और इस टाइप की अगर ऐसी ऐसी समस्याएं जो आती हैं आप बता सकते हैं, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। इस कोड की लिंक आपको मेरे इसमें मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं अपनी गिटहब की, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।